गाइस कि आप भी चाहते हो अपने गूगल अकाउंट का जीमेल चेंज करना, जीमेल अकाउंट का जीमेल चेंज करना चाहते हो तो आप लोग चेंज कर सकते हो। बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे, तीन तरीके बताएंगे जिससे आप लोग चेंज कर सकते हो बहुत आसान से अपनी मोबाइल फ़ोन के मदद से। आपने जीमेल आईडी कौन दूसरे बना लिए है, वो फेक जीमेल आईडी है, उसका नाम दूसरा है, तो आप लोग उसे चेंज करना चाहते हो, दूसरा नाम के ईमेल आईडी बनाना चाहते हो जीमेल आईडी, तो आप लोग बना सकते हो। आपके लिए सिंपल सा सेटिंग पर जाना है और आप लोग देख सकते हो इधर गूगल का ऑप्शन रहता है, तो देख सकते हो मोबाइल में गूगल का ऑप्शन है, नहीं है तो आप लोग बहुत सिंपल ट्रिक बताते हैं, जीमेल में जाना है। और जीमेल में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस, तो जीमेल में जाने के बाद आपको क्या करना होगा ये देख सकते हो, गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे, तीन तरीके बताएंगे जिसे चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा जीमेल आईडी आ चुका है और देख सकते हो बहुत सारे सेटिंग है इसमें, तो आप लोग देख सकते हो पर्सनल इन्फो पर क्लिक करना है और इधर देख सकते हो बहुत सारे नाम वगैरह आ चुका है। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो मैं देख सकते हो कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक कर देना है ये वाले ऑप्शन पर, और जीमेल आईडी पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और आने के बाद इधर आप लोगों को बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे जिसे आप लोग चेंज कर पाओगे। अगर आप लोग देख सकते हो चेंज करना चाहते हो तो देख सकते हो रिमूव भी है, ऐड रिमूव, इसे ऐड करके रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। देख सकते हो इस पर क्लिक करूँगा ऐड रिमूव, तो जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस, इसका पासवर्ड रख देना है रिमूव हो जाएगा और एक नए का ऐड कर सकते हो, लेकिन हमको रेड ऐड नहीं करना है लव का, तो आप लोग चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना है ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। नीचे के ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे। देख सकते हो इधर ईमेल आईडी आ चुका है, ऐड करके और इसे रिमूव करके आप लोग अपनी ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हो। देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा और इस पर से ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट तरीका आप लोग को बताते हैं जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगा, तो ये तरीका आप लोग समझ गए, ऐड करके मैंने नहीं दिखाया तो इसीलिए आप लोगों को दूसरा तरीका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा नेक्स्ट तरीका आप लोगों को दिखाते हैं। नेक्स्ट तरीका है आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट तरीका है गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेना। देख सकते हो बहुत सारे मैंने रैपिडटेक्स यूज़ किया है, तो मैं इसे हटाकर और इधर एक आपको सर्च करना होगा जीमेल, जो कि जीमेल का जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप में ओपन कर लेना। देख सकते हो गूगल जीमेल आ चुका है, जीमेल गूगल, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इधर लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग होने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से लोडिंग हो चुका है और आप लोग देख सकते हो ये देख सकते हो कस्टमर यूज सेटिंग, इस पर जाना है और इस सेटिंग वाले पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये देख सकते हो सी ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। ये देख सकते हो ये वाले टाइटल वाले है, सी ऑल पर क्लिक करना है सेटिंग पर, और इससे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑप्शन आएगा ना उससे आप लोग चेंज कर पाओगे, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आएगा, इधर से देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, देख सकते हो चेंज अकाउंट सेटिंग, चेंज पासपोर्ट, चेंज रिकवरी ओपीटी, अदर अकाउंट सेटिंग, और इधर नीचे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इधर देख सकते हो ऐड अदर ईमेल, दूसरा ईमेल है तो उसे ऐड कर सकते हो। देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, तो इधर से ऐड भी कर सकते हो, ये हो गया ऐड अ ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट ऐड कर सकते हो, ये हो गया अदर अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो बहुत सारा सेटिंग है इसमें, तो आप लोग चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना है, और सेकेंडरी ईमेल रखना चाहते हो चेंज कर सकते हो। इधर से देख सकते हो इधर ऑप्शन आ चुका है जिसे आप लोग चेंज कर सकते हो, ये देख सकते हो ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस रखकर और इधर से आपने चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा, और आप लोगों को क्या करना होगा बैक कर देना है, चेंज कर लोगी तो आप लोगों को नेक्स्ट कर दे सकते हो, तो नेक्स्ट स्टॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टॉप में आप लोगों को क्या दिखाता है, तो आप लोग देख सकते हो मैंने जीमेल आईडी तो रखा नहीं, कोई सा भी जीमेल रख देते हैं, जैसे मैं रख देता कोई सा भी जीमेल, नेक्स्ट जीमेल मैंने रख दिया इधर देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और ये जीमेल आईडी मेरा तो नहीं है, मैंने ऐसे ही रख दिया कोई सा भी जीमेल आईडी, और इसे हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर और देखते हैं, ये देख सकते हो इधर वेरीफाई मांग रहा है और चेंज हो जाएगा, तो मैं बैक कर लेता हूँ, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं बैक कर लेता हूँ, फिर इसमें आप लोग चेंज कर लोगी तो मेरा ये ईमेल आईडी है तो इसे मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये इससे मैं चेंज करना नहीं चाहता, ये मेरा बहुत पुराना ईमेल आईडी है इसलिए,
तो आप लोग चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप।